तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू महेंद्र ब्लॉग। तो भाई इस वाले ब्लॉग को भाई हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, एटलीस्ट अपने भाई जस्ट आने के बराबर से। और प्रॉपर मैं दिखा दूं कि भाई आज वाला ब्लॉग थोड़ा सा भाई चेंज करने वाला है, क्योंकि भाई आज बहुत ज्यादा मोटा चूना लगने वाला है हमारा। और इससे पहले भी वीडियो आप लोग देख ही चुके हो भाई क्या चूना लगने वाला है। तो भाई आज भाई हम लोग जो भाई जाने वाले हैं, और अपना जो टायर था हमारा, तो आपने देखा ही था भाई इससे पहले वाले ब्लॉग में भाई जो हमारा टायर था वो पूरा खत्म हो चुका था। और भाई टायर पे मान के चलो कि भाई मार्केट में जो प्राइस था, मार्केट में बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्राइस था, और जिसको भाई हम लोगों ने अदर मार्केट से लेना बहुत जरूरी समझा था, जैसा कि आपने देखा ही था भाई। और वहाँ के प्राइस में, यहाँ के प्राइस में बहुत ही ज्यादा भाई डिफरेंट था। इसलिए भाई अभी हम लोग भाई निकलने वाले हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट में जाके भाई थोड़ा सा टायर बचा हुआ है इसको थोड़ा सा बर्नआउट करके देखेंगे कि भाई जो बचा हुआ टायर है की ग्रिप है वो हमारी कितनी ज्यादा कंफर्ट है और कितनी ज्यादा टिकाऊ है। तो उसकी टाइमिंग हम लोग चेक करने वाले हैं कि भाई इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है। तो एटलीस्ट भाई पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। इधर भाई लगी अपनी 250, और जिसके भाई पीछे के दो कान जो है दोनों टूट चुके हैं। और मैं बता दूंगा भाई टायर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है भाई। ये देखो टायर का होल है ना, पूरा खत्म हो चुका है भाई, जैसा कि मेरे को लग रहा था। तो इसके टायर के हिसाब से मैंने सोचा था कि भाई बहुत ज्यादा चल जाएगी, बट भाई इसकी टायर की टाइमिंग है ना बहुत ज्यादा खराब निकल चुकी है। भाई ये बात चेक करो भाई, जो हमारा टायर है भाई सेम नंबर का टायर है, और अभी हम लोग इसको जाके इसमें जाके इंस्टॉल कराएंगे। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बर्नआउट वगैरह करेंगे कि उससे ये देखेंगे भाई हमारे ये वाला टायर जो है कितना ज्यादा अभी इसके अंदर धागा और निकलता है। जी भाई देखो अनुज भाई हमारे आ गए, अपनी भाई अनुज राइडर द फेस दिखाओ भाई। और भाई नाजिम भाई ने हमारे ले लिया 23 अल्ट्रा, जो भाई आप लोगों ने भाई अभी जल्दी उनके इंस्टाग्राम पे जाके भाई चेक करो। आप क्या हुआ, सपोर्ट करो भाई को, बकचोदा बोल रहे मुझे। बकचोदा वाली बात नहीं है भाई, एटलीस्ट मैं बता दूं भाई जो है हमारे एक बाइक लाने के लिए है। तो भाई आप लोग गेस करके बता दो कि भाई 10 लाख तक भाई जो भी बाइक हो तो वो अनुज भाई को बता दो कि भाई उतने नॉर्मल मान के चलो, तो वो लोग जो है बाइक को परचेज करने वाले हैं। अभी हम लोग आ चुके अपने भाई ट्रैक पे भाई, ये वाला ट्रैक भाई हमारा न्यू वाला चेक करो। लेकिन भाई हम लोग जो बर्नआउट की बर्नआउट करने वाले वो भाई इस वाले ट्रैक पे नहीं करेंगे। और इधर भाई देखो हमारे तरुण भाई आ गए, गौरव भाई आ गए, नाजिम भाई, बाबू भाई, और इधर आयान भाई और अनुज भाई, भाई सारे भाई हमारे भाई लोग जो हैं आ चुके हैं। और भाई आज हम लोग टायर की ऐसी तैसी करने वाले हैं, और भाई इनकी बाइक की ऐसी तैसी खुद हो ही पड़ी है। तो देखो भाई ये आ गए, लगाओ लगाओ सब लगाओ, क्या दिक्कत आ रही है, रेत बढ़ाओ। हाँ इसकी बाइक मतलब कहीं मिसिंग कर रही गाड़ी तुम्हारी भाई। अभी हम लोग देखो भाई आ चुके हैं अपने भाई गांव वाले ट्रैक पे, और मैं बता दूं कि भाई अब हम लोग यहां पे करने वाले हैं रोलिंग बर्नआउट, और पूरे टायर की टाइमिंग वगैरह हम लोग पूरी चेक करेंगे कि भाई किस हिसाब से टाइमिंग इसकी रहने वाली है। और आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे भाई, बिल्कुल इसकी मत करना, और ये टाइमिंग की आपको अनुमान खुद ही लग जाएगा कि भाई इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है। और भाई मैं आपके लिए बता दूं कि भाई देखो आपकी एज मिनिमम 18 साल से कम है, तो भाई कोई भी ऐसा स्टंट हमारे जो अकाउंट पे पड़ा हुआ है भाई बिल्कुल भी ना करें। और भाई अगर आप करते भी हैं, मैं बता दूं 18 साल से जो ओवर है वो लोग अगर करते भी हैं, तो प्रॉपर मैं उनके लिए बता चुका हूं कि भाई आप किसी ऐसे बंदे को साथ में लेके जाओ जो प्रॉपर इस स्टंट को कर लेता हो। तो भाई चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो की तरफ। गरम गरम मिट्टी गिर रही है, टायर गिरे तो भाई गरम बहुत। अरे आराम से रहने दो, छोड़ो मार दिया, हम कर लेंगे या ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बढ़ाओ बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, हट बाबू अभी बच गए, तार थे इधर जाओ
भाई का टायर ब्लास्ट तो रखा, बिल्ली नहीं लग सकती ना भाई, करेंगे देखना अभी और भाई यहाँ पर टायर में से भी अब धुआं निकलने लगा है, ये देखो इंजन। तो भाई ये वाला अभी थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन भाई अभी देख रहे हैं भाई, अभी इसके अंदर थोड़ी सी जान बची है, ये देखो। तो इस जान को भाई थोड़ा थोड़ा करके खत्म करेंगे, हाथ मत डाल अंदर, बहुत गर्म है। चलो तो भाई अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप लोग देख रहे हो भाई कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई तीन चार जगह पे हम लोग कर चुके हैं, तीन चार जगह में भी टायर अभी खत्म नहीं हुआ पूरा जितना उतारना चाहिए, बट अभी थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। बहुत विलंब के बाद टायर भी नहीं फट रहा, क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा, बर्नआउट का समय बहुत ज्यादा, देख सकते हैं आप लोग ये बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, बहुत हीट मार रहा है, और ये देखो हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे डैमेज हो चुका है भाई, गरम गरम निकल रहा है भाई, कूलर टेम्परेचर यार, इसकी माँ बहन एक हो चुकी है, मतलब बाइक की नहीं है, हीटिंग नहीं हुआ रहा टायर की। तुम पहले ले लो, तुम्हें पहले लौंडिया चाहिए शादी के लिए है। टटली भाई मैं बता दूं कि भाई टाइमिंग तो भाई बहुत थी भाई, बहुत ज्यादा बांध के चलो कि भाई बाइक का इतना ज्यादा कूलेंट हाई इशू आ रहा है भाई कि बता नहीं सकते हो भाई, टायर की कंडीशन ये हो गई कि भाई बीच की साइड से जो हमारी ग्रिप खत्म हो चुकी थी ऑलरेडी, हम लोग बात करें तो भाई उस वाली ग्रिप से भाई टायर जो है हमारा नहीं राउंड ले रहा है, बट भाई दोनों जो साइड बची हुई है बाहर की, तो उन साइड से भाई हमारा ये मान के चलो कि उतनी टायर की ग्रिप है कि भाई वो घिस ही नहीं रही है, और भाई उसके चक्कर में बाइक हमारी ना हाई टेम्परेचर दिखा रही है, और भाई बाइक है ना बार बार करके बंद हो रही है। ट्राइबल लोग आ चुके हैं भाई, और भाई क्या नाम है भाई आपका, क्या नाम है आपका भाई,
बताओ भाई नाम बता दो। रोहित सिंह भाई, आपका नाम भाई? अभिषेक सिंह भाई, ये हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं भाई। और भाई अभी हम लोग जो है भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मैं बता दूं भाई टायर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि भाई पब्लिक का यहाँ पे क्राउड देखो अभी थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि भाई हम लोग जो है पब्लिक को बचा के, भाई जो भी स्टंट कर रहे हैं पब्लिक को बचा के कर रहे हैं भाई। अगर करना चाहते हो तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई पब्लिक को बहुत संभाल के करना भाई, क्योंकि भाई नॉर्मली मैं बता दूं कि भाई ये स्टंट है ना जो भी आप करते हो भाई पब्लिक प्लेस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर पब्लिक को जरा सी भी कहीं भी खरोच आ गई ना तो भाई आप ये समझ लो कि बाइक के दूने रुपए देने पड़ जाएंगे। मैं बता दूं कि भाई अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे जाके ना भाई कम से कम 200 कमेंट कर दो, और भाई इस वाले वीडियो पे ना कम से कम भाई अच्छे खासे व्यूज आप लोगों को मुझे करवा दो। और भाई मैं बता दूं कि भाई जैसा ही सपोर्ट आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कर रहे हो भाई, वैसे ही सपोर्ट भाई अपने भाई को यूट्यूब पे करो। भाई अभी हम लोग आ चुके हैं भाई सुदीप भाई की दुकान पे, और अपनी बाइक को हमने भाई यहाँ पे देखो भाई पीछे की साइड में ना पूरा खुलवा दिया है, और अभी चेक करो भाई ये देखो पूरी बाइक का पहिया वगैरह है पूरा निकाल के भाई हम लोगों ने साइड में करवा दिया, और अभी इसकी हम ये वाली टायर भाई निकलवा देंगे भाई, क्योंकि इसके दोनों इंडिकेटर भाई टूट चुके हैं भाई। ये वाला अभी जो हमारा है टायर पूरा हमने निकलवा दिया भाई, टायर की मैं कंडीशन पहले ही आपको दिखा चुका हूँ भाई ऑलरेडी, ये वाली चेक कर लो भाई, ये देखो पूरी टायर की कंडीशन है, पूरी ग्रिप खत्म हो चुकी है भाई, होल दिख रहा है ना ये देखो ठीक है। और बाकी भाई ये भी रिम का थोड़ा ग्रिप वगैरह है ना, इसको साफ करके और दिखाते हैं। उसके बाद में जो हमारा न्यू टायर भाई इधर लगा है साइड में, ये चेक करो MRF का भाई टायर है, और इसकी ग्रिप वगैरह कितनी प्यारी लग रही है वो तो अभी पता लगेगा जब टायर पड़ जाएगा। उसके बाद देखो ये लंगे, वो लंगे नहीं भूखे लोग यहाँ पे समोसे खा रहे हैं, देखो भाई ये चेक करो, इतने साल से खाना नहीं खाया। और भाई ये रिम में थोड़ी सी एक कहीं पे थोड़ा सा झटका लग गया था, जिसकी वजह से हल्का सा रिम जो था ना एक जगह से बैंड हो गया था। हम ट्यूबलेस पिन चलना भाई, हमारा टायर हो चुका है पूरा भाई रेडी, और बस खाली अब हमें इसमें जो है लगवाना है टायर, और बाकी भाई हमारा पूरा जो है काम रेडी हो चुका है, बट अभी इसको खाली हमारी टेल निकलने को बची है, बाकी बाद में पूरी गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है।